हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जनपदीय साहित्य का दूसरा पाठ, लोक नाट्य के विविध रूपों का सामान्य परिचय। रामलीला, रासलीला, माच और नौटंकी, इन चार विधाओं के बारे में आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ने के लिए कहा गया है बेटे। तो सिलेबस में आपका पहला इकाई जो थी, पहला पाठ जो था इकाई का, पहली इकाई का लोक नाट्य अवधारणा, स्वरूप और विकास हम लोग पहले कर चुके हैं। दूसरा पाठ ये है विविध रूपों का सामान्य परिचय, रामलीला, रासलीला, माच, नौटंकी। दूसरी इकाई में आपका होगा एक पाठ सत्यवान सावित्री, जो कि पंडित लक्ष्मीचंद का लिखा हुआ सांग है। तीसरी इकाई में आपका है विदेशिया, जिसे भिखारी ठाकुर ने लिखा है। और चौथी इकाई में आपका एक पाठ है राजयोगी भर्तृहरि, जो कि मालवीय माच है, सिद्धेश्वर सेन का लिखा हुआ। तो आज हम दूसरा पाठ कर रहे हैं रामलीला। इसमें पहले नाट्य रूप है, चार नाट्य रूपों की हमने बात करनी है इस पार्ट में टोटल, रामलीला, रासलीला, माच और नौटंकी। सबसे पहले रामलीला, जो कि एक नाट्य रूप है, आप सभी ने रामलीला के बारे में जरूर सुना होगा, देखी भी होगी कुछ लोगों ने। उत्तर भारत की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय नाट्य रूप है बेटे रामलीला, सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। कई शताब्दियों से इसकी परंपरा रही है, कई शताब्दियों से लोग रामलीला देखते हैं, रामलीला करते हैं, और कई क्षेत्रीय शैलियों में इसको अलग अलग स्टाइल में किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से रामलीला की जाती है। टाइम वही होता है सबका, आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के महीने में, नवरात्रि के लगभग आसपास में, दशहरे से एंड पहले, और 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक ये चलता है। जहां भी होता है, कहीं 10 दिन चलती है, कहीं 15 दिन, कहीं पूरा 1 महीना भी चलती है। विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का नाटकीकरण यहाँ पर किया जाता है, और जो नाटकीकरण किया जाता है उसके लिए बेस लिया जाता है तुलसीदास रचित रामचरितमानस को ही लिया जाता है हर जगह पर। और रामलीला में राम के जन्म से लेकर के रावण वध तक की, अयोध्या में राज्याभिषेक तक की सारी जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका मंचन किया जाता है। अभिनेता जो होते हैं रामलीला के, जो कलाकार होते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, उन सबको बिल्कुल ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है, ईश्वर की ही तरह उनको वहां पर पूजा जाता है। प्रथम उल्लेख रामलीला का महाभारत के खिल पर्व में हरिवंश पुराण में मिलता है। ये लाइन बेटा आपको याद रखनी होगी, जहां भी रामलीला का प्रसंग आता है, आपका प्रश्न आता है, उसमें याद लिखने के लिए कि रामलीला का प्रथम उल्लेख यानी कि पहली बार जो वर्णन मिलता है कहीं पर, तो महाभारत के खिल पर्व में हरिवंश पुराण में मिलता है। और रामलीला का नाम जो है वो रासलीला के नाम पर रखा गया है। जब सूरदास ने राधा और गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को रासलीला नाम दिया, तो तुलसीदास ने भी राम की सारी जो लीला लिख रहे थे उसको रामलीला नाम दे दिया। बनारस, चित्रकूट, मथुरा, अल्मोड़ा की अपनी प्रसिद्ध शैलियां हैं। कुल्लू का अपना दशहरा होता है, बहुत प्रसिद्ध है, और प्रदर्शन अनेक शैलियों में होता है, इन शैलियों को अभी हम पढ़ेंगे। रामलीला का नामकरण कैसे हुआ? सूरदास ने राधा और गोपियों की लीला को रासलीला का नाम दिया था, इसे देखते हुए ही तुलसीदास ने राम की पूरी कहानी को रामलीला नाम दे दिया, और विभिन्न नगरों में इसके प्रदर्शन की अलग अलग शैलियां हैं, है ना। बनारस, चित्रकूट, मथुरा और अल्मोड़ा की रामलीलाएं काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी शैलियों को अब हम अलग अलग जगह के वो पढ़ेंगे। रामलीला की शैलियाँ क्या क्या हैं? पहली शैली होती है जिस तरीके से रामलीला खेली जाती है, वो होती है बहुस्थलीय रंगभूमि का शैली। इस तरह की रामलीला रामनगर और बनारस में खेली जाती है। इसके लिए अभिनय स्थल अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं, यानी कि स्टेजेस जो होते हैं, मंच जो होते हैं, अलग अलग जगह पर बन जाते हैं। अयोध्या, जनकपुरी, चित्रकूट, दंडकारण्य, लंका आदि स्थल पूर्व निश्चित और स्थायी होते हैं, मतलब ये स्थल परमानेंट बने हुए होते हैं वहां पर रामलीला ग्राउंड में, या जो भी जगह होती है उनकी अलग अलग जगहों पर, अयोध्या, जनकपुरी, चित्रकूट वगैरह, ये सारी की सारी जगहें बनी हुई होती हैं, पूरी परमानेंट होती हैं और हमेशा बनी रहती हैं। इनको रामलीला खत्म होने के बाद उजाड़ा नहीं जाता है, वैसी ही बनी रहती हैं ये जगहें। अभिनेता और दर्शक प्रति रात्रि वहीं पर एकत्रित होते हैं। जो भी अभिनेता होते हैं, अब एक्टर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, और जो ऑडियंस होती है, वो हर रात को वहीं पर इकट्ठे होते हैं जा जा करके। और यथार्थवादी ढंग से बने स्थल तथा मंचन, वो जो स्थल बने हुए होते हैं, अयोध्या या चित्रकूट या दंडकारण्य या लंका, वो सब बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, और वहीं पर पूरा का पूरा रामलीला का प्ले चलता है। आवश्यकता अनुसार जुलूस निकाले जाते हैं, जैसे राम की बारात का, भरत जा रहे हैं भरत के मिलाप के लिए, या फिर राम वनवास के लिए जा रहे हैं, या फिर अयोध्या से जनकपुरी श्री राम की बारात निकलती है, ये सारे के सारे प्रसंग जो होते हैं इनके जुलूस निकाले जाते हैं। और ऊंचे मचान जिन पर खड़े होकर संवाद बोले जाते हैं, मचान ऊंचे होते हैं वहीं पर,
जिन पर खड़े होकर के कलाकार संवाद बोलते हैं, बाकी सभी लोग देखते हैं नीचे से। अनेक मचानों का प्रयोग एक साथ होता है, कई मचानों का इस्तेमाल एक साथ चल रहा होता है। मतलब अयोध्या की घटना अयोध्या में चल रही है और वहां जनकपुरी की घटना जनकपुरी में चल रही है, ऐसे चलता है। लंका की घटना लंका में चल रही है और यहाँ सीताकरण हो गया, राम लक्ष्मण और ये सब लोग जो है जामवंत वगैरह यहाँ के प्रसंग यहाँ चल रहे हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो वनवास में दर्शक भी साथ साथ चलते हैं और रोते हैं। इसमें वनवास में जैसे राम वनवास को जाते हैं तो दर्शक साथ साथ जाते हैं उनके साथ और जाकर के रोते हुए जाते हैं। ऐसे ही जब राम की बारात जाती है तो बारात में सभी लोग नाचते गाते चलते हैं। भरत मिलाप के लिए जाते हैं तो भरत के साथ जाते हैं लोग और उसी तरीके से उसी भाव के साथ जाते हैं कि जैसे वो राम को मनाकर वापस अयोध्या ले आएंगे। तो इस तरीके की झांकियां इसमें होती हैं, इस तरह की रामलीला होती है। दूसरी होती है झांकी शैली, जो कि इलाहाबाद में खेली जाती है। आमतौर पर अलग अलग चौकियों पर जुलूस निकाला जाता है। इसमें विविध चौकियां होती हैं, मतलब कि जैसे अलग अलग झांकियां बना ली जाती हैं, उन पर जुलूस निकाला जाता है। प्लेटफॉर्म रंगमंच की शैली होती है इसमें। और एक चौकी पर रामायणी दल बैठा होता है। रामायणी दल बोलते हैं जो लोग रामायण का पाठ करते हैं, गाते हैं, उसको रामायणी दल कहते हैं। तो एक चौकी पर रामायणी दल पाठ करते रहते हैं और वो झांकियां सड़क पर चलती जाती हैं, जुलूस निकलता रहता है उन चौकियों का और दर्शक भी साथ साथ चलते रहते हैं, या तो इनके साथ में और या फिर किसी एक जगह पर रुक करके झांकियों का इंतजार कर लेते हैं कि यहाँ से आएंगे तो हम देख लेंगे। ये चौकियां जगह जगह पर रोकी जाती हैं, वहाँ पूजा होती है, भोग लगता है, प्रसाद बढ़ता है, चढ़ावा चढ़ता है, ये सब चलता रहता है। तो इस तरह की जो रामलीला होती है झांकी शैली की, ये इलाहाबाद में होती है। तीसरी होती है प्लेटफॉर्म रंगमंच की शैली। आमतौर पर सभी नगरों में यही रामलीला होती है। दिल्ली में मैंने इसी तरह की रामलीला देखी है। किसी मैदान में तख्ते डालकर चबूतरा बन जाता है, बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, मंच बना दिया जाता है। आमतौर पर इसमें पर्दों की व्यवस्था नहीं होती है। एक साइड उसी में रामायणी यानी कि जो गायक लोग होते हैं वो गाते रहते हैं, रामायण का पाठ करते रहते हैं, और बाकी बीच के मंच पर कलाकार जो होते हैं आकर के एक्ट करते रहते हैं। जो रामायणी होती है जिस चौपाई को वो लोग गाते हैं उसी को ये लोग कलाकार जो होते हैं गद्य में बोलते हैं और डायलॉग बन जाते हैं। इस तरह से इनके पात्र गायन अंश को गद्य में बोलते हैं और कभी कभी चौपाई भी बोलते हैं, कभी कभी वो चौपाई भी बोल देते हैं बीच बीच में। तो ये होती है प्लेटफॉर्म रंगमंच की है शैली। और एक होता है पारसी रंगमंच, जिसमें पर्दे होते हैं, साज सज्जा होती है, 10-15 दिन में संपूर्ण कथा का मंचन हो जाता है। रावण का अधिकांश जगह पर, रावण का जो वध होता है वो अधिकतर जगह पर एक जैसा ही दिखाया जाता है, उसमें कहीं कुछ अलग नहीं होता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है, उनमें आतिशबाजी भरी होती है, लीला होती है, पात्रों की मुख सज्जा की जाती है, चेहरे पर चंदन का लेप करके चमकदार बिंदियां लगाई जाती हैं, तिलक लगाए जाते हैं। जो दुष्ट पात्र होते हैं जैसे कि रावण या कुंभकर्ण, जो राक्षस पात्र दिखाए जाते हैं, उनको काले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, काला रंग किया जाता है उनका, और राक्षस और वानरों के लिए मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। रावण को सबसे भारी चोगा पहनाया जाता है ताकि वो सबसे अलग लगे। आभूषण पहनाए जाते हैं सभी पात्रों को। वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, गायन चलता रहता है। ये होता है पारसी रंगमंच की शैली में। अब विशेष तौर पर जो चीजें हैं वो ये हैं कि रामलीला में राम, सीता और लक्ष्मण का मुख सज्जा में काफी टाइम लगता है, उनको काफी गेटअप दिया जाता है और मुख पर चंदन का लेप करके चमकदार बिंदियां लगाई जाती हैं, माथे पर तिलक और बिंदी लगाई जाती है, वेशभूषा इनकी भड़कीली पहनाई जाती है। आमतौर पर रामलीला प्रदर्शनों का आधार रामचरितमानस होती है, रामचरितमानस के आधार पर ही रामलीला का मंचन होता है। और रावण वध की लीला लगभग सभी जगह पर एक जैसी होती है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के कागज के पुतले एक मैदान में खड़े कर दिए जाते हैं और राम रावण युद्ध का वहां पर भी अभिनय होता है, डायलॉग बोले जाते हैं, दोनों तरफ से तीर चलते हैं, लोग देखते हैं, तालियां बजाते हैं, उसके बाद पुतलों में आग लगा दी जाती है। ये सिंबॉलिक होता है कि रावण का वध हो गया, जिसके पुतलों के भीतर भरे हुए जो पुतले होते हैं रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं, उनके अंदर आतिशबाजी भरी हुई होती है, इनको जब आग लगाई जाती है तो पटाखे जलने लग जाते हैं, तो दूर तक रावण के वध की घोषणा हो जाती है कि अब रावण जल गया। ये लीला इन दशहरे के दिन की जाती है। कथा गायन की अनेक शैलियां होती हैं। उत्तर भारत में रामचरितमानस की नाटक की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, जिसका विस्तार नगर नगर, गांव गांव, यहाँ तक के घर घर में। रामलीला जो है आपने देखा होगा, कई बार छोटे छोटे बच्चे भी मिलकर के रामलीला कर रहे होते हैं। तो ये था आपका रामलीला का पाठ। आगे है रासलीला। उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक लोकनाट्य रूप है रासलीला। कृष्ण के ब्रजवासी जीवन के रूपों का यहाँ पर नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है रासलीला के अंदर।
राधा कृष्ण की प्रेम लीला इनका मुख्य विषय होती है, और मतलब कि मेनली जो इनके एक्ट होते हैं, जो इनके जो प्रदर्शन होते हैं, वो राधा राधा और कृष्ण की प्रेम लीला के होते हैं। लीला शाम से शुरू होती है और सारी रात देर रात तक चलती रहती है। जहां भी रासलीला होती है, आमतौर पर मंदिर में होती है। लीला प्रांगण में कोई जूते नहीं पहनकर जाता है। जहां भी लीला हो रही होती है, उस मैदान में कोई भी जूते पहनकर नहीं जाता है, कोई धूम्रपान नहीं करता है, वहां पर बैठकर वो लोग कुछ खाते पीते भी नहीं है। यानी कि जो लोग राधा और कृष्ण बने होते हैं, उनको साक्षात राधा और कृष्ण का ही स्वरूप मानते हैं, उन्हें स्वरूप कहते हैं। बालक कृष्ण की झांकियां निकलती हैं और किशोर कृष्ण और राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का वहां पर मंचन होता है। लोग देखकर मुस्कुराते हैं, रोमांचित होते हैं, उनके वियोग में रो रो पड़ते हैं। ये सब लीला वहां पर चलती है। दर्शकों के लिए अभिनेता राधा कृष्ण का ही स्वरूप होते हैं। दर्शकों को कोई परेशानी नहीं होती, भले ही प्रदर्शन में अभिनय संबंधित कितनी ही त्रुटियां हो, रंग सज्जा में कोई विभिन्न उपकरण भी ना हो, तो भी कोई किसी को ऐतराज नहीं होता। बिल्कुल साधारण तरीके से रासलीला चलती है। चाहे अभिनय में गलतियां भी हो जाए, तो भी वो लोग उस चीज के लिए कोई ऐतराज नहीं करते। अब रासलीला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा था, आपने पढ़ा होगा बेटे, नहीं पढ़ा होगा तो आगे कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आ जाएगा आपका बीए प्रोग्राम के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं। तो नाट्य शास्त्र में रासक नाट्य, रासक और हल्दीसक का उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र जो है, जो कि भरत मुनि ने लिखा था, जिसमें सभी तरह के नाटक किस तरह से खेले जाने चाहिए उसका पूरा बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसमें रासक नाट्य, रासक और हल्दीसक का उल्लेख मिलता है। यानी कि उस टाइम भी रासक का, नाट्य का वर्णन मिला। ये भागवत पुराण में कृष्ण के गोपियों के साथ रास नृत्य का सुंदर वर्णन मिलता है। जब आप भागवत कहीं सुने, श्रीमद् भागवत कथा जो कही जाती है, उसमें भी कृष्ण के गोपियों के साथ रास नृत्य के सुंदर वर्णन मिलते हैं। इसके अलावा वैष्णव भक्ति के प्रचार के साथ ही, जब वैष्णव भक्ति का प्रचार शुरू हुआ मध्य काल में, जब आदि काल के बाद मध्य काल आया, उसमें रीति काल और भक्ति काल दो दौर आए थे इतिहास में। अगर आप पढ़ेंगे हिंदी के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में, तो वहां पर जब राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा का जब दौर आया, समय आया, तो वैष्णव भक्ति के प्रचार के साथ साथ ही कृष्ण का अवतारी रूप पूजा का आधार बना और उन्हें रसेश्वर कहा गया। कृष्ण की कृष्ण भक्ति शाखा पूरी की पूरी रही, जिसके कि रस खान, सूरदास वगैरह सारे के सारे साहित्यकार रहे, उन्होंने इन्हें रसेश्वर कहा। 14वीं शताब्दी के बाद से वैष्णव भक्तों और आचार्य ने रास नृत्य के साथ कृष्ण के किशोर जीवन का नाट्य अभिनय जोड़कर उसे रासलीला का नाम दे दिया। वैष्णव भक्तों और आचार्यों ने क्या किया कि जब कृष्ण भक्ति चल रही थी, कृष्ण के साहित्य लिखे जा रहे थे, पेंटिंग बनाई जा रही थी, उनके गीत लिखे जा रहे थे, तो उसी टाइम नाटक में क्या हुआ कि नाटक में उनके किशोर जीवन का नाट्य अभिनय जोड़ दिया गया, जिसमें कि गोपियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, राधा के साथ रास करते हैं, लीलाएं करते हैं, उन सबको जोड़ करके इसको रासलीला का नाम दे दिया गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ब्रजभूमि में रास की यह परंपरा, इस परंपरा को किसने प्रसार दिया? सूरदास, नंददास, ब्रजवासी दास आदि भक्तों के सहयोग से प्रसारित हुई 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और इसमें काव्य के पद ग्रहण करके, काव्य के पद ग्रहण किए, काव्य के पद लिखे गए और उनमें दान लीला, मान लीला, माखन चोरी, कृष्ण के किशोर जीवन और बाल जीवन की लीलाएं अभिनीत होने लगी। मान लीला का मतलब होता है कि कृष्ण रूठ गए, राधा मना रही हैं, या फिर राधा रूठ गई, कृष्ण मना रहे हैं। दान लीला, जिसमें उनकी दानशीलता का वर्णन किया जाता है। माखन चोरी के प्रसंग आपने देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं। और मथुरा वृंदावन में रासलीला की विभिन्न मंडलियां होती हैं, जो कि रासलीला का प्रदर्शन करती हैं। भाषा इन सबकी ब्रजभाषा ही होती है। ये मथुरा वृंदावन क्षेत्र का ही, ब्रज क्षेत्र का ही ये पूरा का पूरा एक नाट्य रूप है। यहाँ मंडलियां गाँव और शहरों में भी प्रदर्शन के लिए जाती हैं। लोग जो वहां से निकले हुए हैं बाहर, वो लोग भी अपने यहाँ इन मंडलियों को रासलीला दिखाने के लिए बुलाते हैं। मंदिरों में विभिन्न पर्वों पर मंडलियों को बुलाया जाता है, मंदिरों में भी जाकर के ये करते हैं। और कभी कभी भक्त अपने घरों पर किसी विशेष उत्सव या त्योहार पर इन मंडलियों को बुला करके भी लीला करवाते हैं। अभिनय के लिए 7-8 वर्ष से लेकर के 13-14 साल तक के सुंदर लड़के, सुंदर ब्राह्मण लड़के रखे जाते हैं। लड़कियां इनकी मंडलियों में नहीं होती है। और सबसे सुंदर लड़कों को राधा कृष्ण बनाया जाता है। इन पात्रों को स्वरूप कहा जाता है। जो राधा कृष्ण बनते हैं उन्हें स्वरूप कहा जाता है। स्वरूपों में ईश्वर का वास माना जाता है। यहाँ तक कि उन्हें पांव चलने भी नहीं दिया जाता है पैदल। उनको मंडली के जो बड़े सदस्य होते हैं या फिर जो समाजी होते हैं, उन्हें गोद में उठा करके मंच पर लेकर के जाते हैं। उनके बैठने के लिए झांकी का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा बना दिया जाता है। बाकी अभिनय जो चलता है वो धरातल पर चलता रहता है।
लीला का प्रारंभ कृष्ण राधा की आरती से शुरू होता है। ये लीला जो होती है सबसे पहले राधा कृष्ण की आरती होती है, उसके बाद रास नृत्य होता है, कृष्ण राधा और गोपिकाएं मिलकर नृत्य करते हैं और बीच बीच में पदों का गायन भी चलता रहता है, पद भी गाए जाते रहते हैं। नृत्य की मुद्राएं जो होती हैं, यहाँ पर जो नृत्य होता है और जो पद संचालन होता है, पैरों का जो फुटवर्क होता है वो कथक नृत्य के समान होता है और बड़ी तेजी से घुंघरू की आवाज होती है। इसे कथक का आदि रूप भी यानी कि कथक का इनिशियल स्टेज भी कहा जाता है। नृत्य के पश्चात वास्तविक लीला प्रारंभ होती है, नृत्य खत्म हो जाता है उसके बाद लीला शुरू हो जाती है। पारंपरिक मान लीला, दान लीला, उद्धव लीला, अंगूठी चोरी और मनिहारिन लीला वगैरह दिखाई जाती है। मान लीला जिसमें कोई राधा रूठ गई कृष्ण मना रहे हैं, दान लीला जिसमें दान के एक वर्णन किए जाते हैं उन्हें किस तरह से दान किए, उद्धव लीला में उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, गोपियां उनको अपनी हाजिर जवाबी से मात दे देती हैं, अंगूठी चोरी में कृष्ण अंगूठी चुरा कर राधा की सीधे हो जाते हैं, मेरे पास तो है नहीं, इतने में गोपियां आती हैं उनके कमर से अंगूठी निकाल करके उनको खड़ी दे देती हैं, उसके बाद वो अपराधी की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। इस तरह की जो है लीलाएं चलती है। और मनिहारिन लीला में जिसमें कि वो एक तरह से चूड़ियां पहनाने के लिए आते हैं, महिला चूड़ी वाली का रूप भर करके, और इस तरह की लीलाएं रासलीला में दिखाई जाती हैं। साथ में ब्रज भाषा की अपनी एक बहुत ही ज्यादा मिठास होती है, वो भी साथ साथ बनी रहती है, इसलिए देखने में बहुत आकर्षक लगती है। अभिनय शैली कुछ अतिरंजनात्मक होती है। अभिनय मतलब कि अतिरंजनात्मक को आप हिंदी, अगर मैं इंग्लिश में आपको सिंपली कहूँ तो एक ओवर एक्टिंग टाइप थोड़ा सा होता है, क्योंकि जो कृष्ण और राधा का स्वरूप लिए हुए लोग होते हैं उनको भी पता होता है कि सभी लोगों ने ईश्वर मान रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के प्रयास में ऐसा करते हैं। और गीतों और पदों का इनके पास बहुत सारे भंडार होते हैं, हर बार इनके पास हजारों गीत हजारों पद होते हैं जो ये गाया करते हैं। इसका संगीत पक्ष बहुत मजबूत होता है, म्यूजिक इनका बहुत स्ट्रांग होता है। रासक नृत्य जो है, रास नृत्य जो है कथक का ही आदि रूप माना जाता है। टुकड़े और चक्कर इसके प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि कथक में तोड़ा होता है, चक्कर होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी टुकड़े और चक्कर होते हैं। रासलीला के प्रमुख आकर्षक तत्व क्या होते हैं? स्वामी का सुमधुर स्वर होता है, इसमें जो गाते हैं उनका स्वर बहुत मधुर होता है, गाने के वो एक्सपर्ट होते हैं। कृष्ण लीला के पदों का आकर्षक गायन किया जाता है और पदों की उत्कृष्टता, पद जो गाए जाते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन गाए जाते हैं। आपका रामलीला रासलीला दोनों चीजें खत्म हो गई हैं यहाँ पर। और मालवा का नाच, मालवा का नाच जो है वो मालवा का लोकप्रिय नाट्य रूप है, सामाजिक नाट्य रूप है, जिसमें मालवा में प्रचलित प्रेमाख्यान प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी मूलध्वज, प्रहलाद, रामायण, महाभारत के प्रसंग भी इसमें दिखा दिए जाते हैं। भरथरी का भी अभी आपके सिलेबस में है, राजा भरथरी का भी प्रसंग है, जो कि मालवा का माच है। ये आपके यहाँ सिद्धेश्वर सेन जी का ही आपके सिलेबस में दिया गया है, विशेष प्रसिद्धि जिनको मिली है उज्जैन के सिद्धेश्वर सेन है, उनका ही आपको मालवा माच जो है सिलेबस में ऐड किया गया है। इसका उद्भव माना जाता है मालवा में ढारा ढारी के खेलों से, यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई, शुरुआत में माच जो है ढारा ढारी के खेल खेले जाते थे। वहां पर नृत्य, गान, स्वांग और अभिनय में दक्ष जो थे, एक्सपर्ट ढारी जाति के जो लोग होते थे वो उज्जैन में विशेष रूप से रहा करते थे। वहां के मंदिरों में वो कृष्ण चरित का अभिनय किया करते थे और अलग शैली में किया करते थे थोड़ा सा, तो वहीं से धीरे धीरे ढारा ढारी से ही चलते चलते ये माच बन गया। माच का आयोजन सिर्फ वर्षा काल को छोड़ करके, मतलब मानसून में नहीं होता, बाकी पूरे साल किया जा सकता है। ये 15 दिन तक चलता है, जहां भी खंभे गाड़े जाते हैं, इसके जहां भी मंच बनता है वहां पर 15 दिन तक माच का जो है मंचन चलता रहता है। शुभ मुहूर्त में माच का जो खंभा गाड़ा जाता है, माच मंडली का जो मुखिया होता है वो खंभे की पूजा करता है, वहां पर ढोल बजता है, गुड़ और धनिया का प्रसाद बढ़ता है। रात से लेकर के सुबह तक मंचन होता है माच का, रात को शुरू हो जाता है और सुबह तक चलता है, प्रतिदिन 15 दिन तक ये चलता है, 15 रातों तक। यानी कि मंच पर ढोलक बजती है जो इस बात का संकेत होती है कि खेल जल्दी शुरू होने वाला है। पात्र सादा वेशभूषा में आकर सामूहिक स्वरों में यहाँ पर देवी देवताओं की वंदना करते हैं, बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में आते हैं और देवी देवताओं की वंदना करते हैं। उसके बाद मंच पर प्रवेश होता है धीरे धीरे करके लोगों का, और भिष्टी बोलते हैं, भिष्टी का प्रवेश होता है वहां पर, वो अभिनय करता है गाते हुए, वहां पर पानी छिड़क कर जाने का एक तरह से पानी छिड़कता है और अपने उद्देश्य को बताता है कि हमारा उद्देश्य है कि आज हम यहाँ पर माच खेलेंगे। उसके बाद फर्रासन आती है, फर्रासन वहां पर जाजम बिछाने की एक्टिंग करती है, किसी बालक को भगवा या लाल चोला पहना करके गणेश बनाकर उसकी वंदना की जाती है, कपड़े से उसकी सूंड बनाई जाती है। गणेश जी के बाद सरस्वती, भैरव भवानी, प्रभूति देवी देवताओं की स्तुतियां की जाती हैं। भैरव की वंदना करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भैरव ही माच के रसिया हैं, भैरव ही माच के देवता हैं।
और मंच निर्माण और प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। मंच के लिए जो मंच बनता है वो 14 फुट ऊंचा बनता है। केले के पत्तों और फूलों से बंधनवार बनाई जाती है जो कि बहुत सुंदर दिखती है, और पात्र उस पर बैठे रहते हैं और अपने संवाद का अवसर आने पर नीचे उतरकर दर्शकों के सामने समतल भूमि पर वो अभिनय करते हैं और वापस चले जाते हैं। संवाद उनके संगीतात्मक होते हैं, गेय शैली में होते हैं, गा गा कर संवाद बोले जाते हैं। वेशभूषा मालवी होती है और भाषा मालवी और खड़ी बोली की मिश्रित बोली होती है इनकी, जिसमें अब उर्दू फारसी के शब्द भी कई बार शामिल होते हैं। पात्र जो होते हैं लोक जीवन की कल्पना के प्रतिरूप होते हैं, यानी कि लोक जीवन में जो लोग उनको इमेजिन करते हैं उसी तरीके से पात्र होते हैं। मानव पात्रों के साथ साथ हिरण, सिंह, तोता, मैना आदि पशु पक्षी के पात्र भी बनाए जाते हैं और मनुष्य ही बनते हैं, यानी कि इंसान ही वहां पर हिरण, सिंह, तोता, मैना वगैरह बनते हैं और उनका भी बड़ी ही सज्जा से, मतलब उनको वही गेटअप दिया जाता है। स्त्रियों का अभिनय भी पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां इसमें माच में अभिनय नहीं करती हैं। नायक का सहायक जो होता है उसे शेरमार खां कहते हैं, इसमें नायक का सहायक जो रहेगा उसे शेरमा खां कहते हैं और वो मुख्य पात्र के साथ सदा मंच पर उपस्थित रहता है। मंच पर जो भी करेक्टर आए शेरमा खां उसके साथ हमेशा प्रेजेंट रहता है और हास्य की सृष्टि करता है वहां पर, मतलब कि हास्य व्यंग्य बनाए रखने के लिए हमेशा वहां पर शेरमार खां बना रहता है। यदि कोई पात्र मंच से हट जाए तो उसका स्थान भी शेरमार खां ही ले लेता है, और साथ में कोई प्रसंग भूल जाए तो भी, और मान लीजिए कोई नायक है वहां से जा रहा है तो भी वही उसका रोल प्ले करता है। मालवी भाषा की मिठास और कहावतें मुहावरों का प्रयोग माच की भाषा को आकर्षक बनाता है, यानी कि मालवी भाषा भी ब्रज भाषा की तरह ही बहुत मिठास से भरी हुई है, साथ में वहां की कहावतें और मुहावरों को भी ऐड कर दिया जाता है तो उससे वहां की भाषा जो होती है माच की बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। माच का प्रचलन मालवा के गांव गांव और नगरों नगरों में है, वहां भी जैसे रामलीला है हमारे यहाँ ऐसे ही वहां पर माच है। माच शब्द जो है मंच से निकला है, मंच का अपभ्रंश रूप है माच, यानी कि मंच को ही माच बोलते बोलते माच बन गया है जाके मालवी भाषा में। इसका उद्भव कैसे हुआ यानी कि जन्म कैसे हुआ, मालवा में ढारा ढारी के खेल में कृष्ण चरित्र का अभिनय प्रस्तुत किया जाता था। तो ढारा ढारी के जो जाति के जो कलाकार होते हैं वो नृत्य गायन और स्वांग में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं वो स्वांग करने में, नाचने में, गाने में। इनके पदों में इनका उल्लेख भी मिलता है। ये कलाकार उज्जैन में केंद्रित रहे, सूरदास के पदों में भी इनका उल्लेख मिलता है, सूरदास ने अपने पदों में भी ढारा ढारी के खेल का और इन चीजों का वर्णन किया है। कृष्ण चरित्र से संबंधित गरबा पर्व भी मालवा में मनाया जाता है, गरबा है ना। तो माचकार पहले गरबरी गीतों की रचना किया करते थे, बाद में धीरे धीरे वो माच करने लगे। माच के विकास में प्रमुख भूमिका जो है तुर्रा कलंगी नाम से प्रचलित काव्य गायन शैली की रही है। तुर्गा कलंगी गायन परंपरा का प्रभाव ख्याल पर भी, ख्याल जो है गजल ख्याल जो आप सुनते हैं उन पर भी तुर्रा कलंगी गायन का असर मिलता है। तुर्रा कलंगी दो अखाड़े हैं वहां के, तुर्रा के आदि गुरु जो है वो तुर्रा के आदि गुरु रहे तुखनगीर गोसाई और कलंगी के शाह अली। इन दोनों के अलग अलग अखाड़े थे, मिस्रों से अलग अलग मंडलियां थी जो ये गाया करते थे, उनसे ही माच का जन्म हुआ। गोसाई शिव भक्त थे और शाह अली शक्ति के अनुयायी थे, यानी कि देवी के उपासक थे, तो उसी तरीके से माच में इनके गीत दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों अखाड़ों में प्रतिस्पर्धा मूलक गायन वर्षों से होता रहा, यानी कि जैसे ये होता है जैसे कथक में घराने होते हैं, जयपुर घराना और लखनऊ घराना, इसी तरीके से यहाँ पर जो होता है इसमें अखाड़ा कहा जाता है, तो गुसाई अखाड़ा और शाह अली अखाड़ा, यानी कि तुर्रा अखाड़ा और कलंगी अखाड़ा के नाम से प्रचलित हैं। इनमें आपस में कंपटीशन रहता है और ये लोग गीत गाते हैं। माच के रचनाकार, माच के रचियता को गुरु या उस्ताद कहा जाता है, जो माच रचता है उसे उस्ताद कहा जाता है। जैसे कि अगर सिद्धेश्वर सेन को कहा जाता है, सिद्धेश्वर सेन उस्ताद हैं आपके उस माच के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। माच के आदि प्रवर्तक गुरु गोपाल जी कहे जाते हैं, जैसे भरतरी के उस्ताद यहाँ पर सिद्धेश्वर सेन हो गए, माच के आदि प्रवर्तक गुरु गोपाल जी कहे जाते हैं, यानी कि जिसने शुरुआत की, सबसे पहला माच लिखा वो गुरु गोपाल जी माने जाते हैं। हीर रांझा, भक्त प्रहलाद, हरिश्चंद्र, रामलीला, राजा भर्त हरि, शिवलीला, कृष्ण लीला, देवर भोजाई, सेठ सेठानी इत्यादि माच प्रचलित हैं। इनके कथानकों में विविधता होती है, वहां पर चाहे हीर राजा का ही माच अलग अलग रचनाकार खेलेंगे तो उनका कथानक यानी कि इनकी कथना जो कहानी है वो कहीं ना कहीं बीच में अलग हो जाती है, बेस वही होता है लेकिन बीच बीच की छोटी घटनाएं जो होती हैं वो अपने हिसाब से चेंज कर देती हैं।
धार्मिक पौराणिक प्रेम आख्यानक शौर्य गाथाएं सामाजिक विषय और परंपराएं इनके विषय होते हैं। यानी कि जो कहानियां होती हैं वो धार्मिक कहानियां ले लेते हैं, पौराणिक कहानियां ले लेते हैं, प्रेम कहानियां ले लेते हैं, वीर राजाओं की कहानियों पर माच बना लेते हैं, सामाजिक विषय होते हैं उन पर बना लेते हैं, और परंपरा जो उनकी है उन पर बना लेते हैं माच वो लोग। पात्र और चरित्र चित्रण सिर्फ पुरुष ही अभिनय करते हैं, इसलिए पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। हिरण, सिंह, तोता, मैना, कबूतर वगैरह भी प्रस्तुत किए जाते हैं वहां पर। माच का एक पात्र विशिष्ट होता है, उसका नाम हर माच में शेर मार खां ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं विदूषक, या फिर जैसे हम कहते हैं मंच संचालक, ऐसे वहां पर उसे शेर मार खां कहा जाता है। नायक कोई भी हो, सहायक जो होगा उसका शेर मार खां ही होगा हमेशा। वो अपनी झूठी वीरता के गुणगान गाता है, नायक के साथ हमेशा उपस्थित रहता है ताकि लोगों को हंसी आती रहे, इसलिए वो अपनी झूठी वीरता के गुणगान वहां पर गाता रहता है। कुछ समय के लिए नायक को कहीं जाना हो तो शेर मार खां को अपनी तलवार दे जाता है, और शेर मार खां वहां पर तलवार लेते ही नायक की भूमिका में आ जाता है। इनके संवादों को बोल कहते हैं, माच के बोल। अधिकांश संवाद गेय होते हैं, मतलब गाए जाते हैं, ज्यादातर संवाद गा गा कर बोले जाते हैं, और संवाद बड़े मधुर भाव की सृष्टि करते हैं, लोगों को बहुत अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। प्रधानतः श्रृंगार गीतों की होती है, मेनली प्रेम के गीत होते हैं वहां पर, लेकिन कथानक के हिसाब से ही, जैसा कथानक है, जैसी कहानी है, उसी हिसाब से वीरता के भय के भाव को प्रकट करने वाले संवाद भी होते हैं। स्वगत कथन का प्रयोग नहीं होता, मतलब मन मन में बोले जाने वाले डायलॉग यहाँ पर नहीं होते हैं। भाषा आमतौर पर मालवी ही होती है, जिसमें खड़ी बोली मिक्स होती है, लेकिन अब मारवाड़ी मेवाड़ी में उर्दू के शब्द भी आ गए हैं, लेकिन प्रमुख भाषा मालवा ही रहती है। ये मालवा भी हमारा, मालवा भी माच में पूरा हो गया हमारा। अंतिम है उत्तर प्रदेश की नौटंकी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का गेय नाटक है, यानी कि गा गा कर किया जाने वाला नाटक है नौटंकी। इसको संगीत नाम भी दिया जाता है। नौटंकी नाम पड़ने का कारण शहजादी नौटंकी नामक एक संगीत का नाटक है, एक नौटंकी जो संगीत है जो इतना लोकप्रिय हुआ था कि लोगों ने नाट्य रूप को ही नौटंकी नाम दे दिया था। नौटंकी का यह नाम पंजाब की एक ऐतिहासिक पात्र रूपवती नौटंकी के नाम पर आधारित है। पंजाब की एक ऐतिहासिक पात्र थी, किसी संगीत में जब इसे नौटंकी नहीं कहा जाता तब इसे संगीत कहा जाता था, तो शहजादी का नाम था नौटंकी, उसी से प्रसिद्ध इसको नाटक को जो है नौटंकी कहा जाता है। जैसे हम पेस्ट को आजकल कोलगेट कहने लग गए हैं, और साबुन जो डिटर्जेंट है उसको सर्फ कहने लग गए हैं, इसी तरीके से इनके नाम से ही इसको नाम नौटंकी मिला। पंजाब में एक राजा का बेटा एक दिन जब शिकार करके लौटा तो अपनी भाभी से पानी मांगता है, पर भाभी उसे पानी नहीं देती, बल्कि व्यंग्य करते हुए कहती है कि मुझसे पानी क्यों मांग रही हो, मुल्तान के शहजादी को ब्याह कर ले आओ ना, वही तुम्हें पानी पिला देगी। उसका ये व्यंग्य सुनकर के राजकुमार को बहुत बुरा लगता है। वो मुल्तान की शहजादी से शादी करने की जो ताना उसको लगा, वो मुल्तान ही चला जाता है, और वहां स्त्री का वेश धारण करके वो किसी तरीके से शहजादी के शयन कक्ष में घुस जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। राजा का बेटा था वो भी राजकुमार था, वो भी सुंदर था, पराक्रमी था, समझदार था, राजकुमारी भी उसको पसंद करती है, दोनों में प्रेम हो जाता है। लेकिन जब बादशाह को पता चलता है मुल्तान के, तो वो राजकुमार को फांसी का हुक्म सुना देता है। जब राजकुमारी इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि मुझे भी फांसी दे दी जाए, मैं भी इस राजकुमार के बगैर नहीं जी सकती। तो बादशाह जो है जब ऐसा सुनता है कि मेरी बेटी भी अपनी जान देने के लिए इस राजकुमार के लिए तैयार है, तो बेटी के मुंह में झुक जाता है और राजा राजकुमार को क्षमा कर देता है और उसे नौटंकी का विवाह कर देता है। शहजादी का नाम था नौटंकी। अंदाजा है कि नौटंकी का विकास गाथा गायन शैली में हुआ, मतलब कहानी कही जाती थी उसी से कहीं ना कहीं नौटंकी का विकास हुआ है। गायक अपनी कथाओं के बीच बीच में अभिनय किया करते थे। शुरू शुरू में जो गायक थे वो गाते गाते बीच बीच में एक्टिंग किया करते थे। बाद में धीरे धीरे एक्टिंग के लिए अलग से करेक्टर्स लिए जाने लगे, अलग से मंडली बनने लगी। इस तरीके से नाट्य रूप इसका नौटंकी का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश और राजस्थान नौटंकी के दो केंद्र प्रदेश माने जाते हैं, लेकिन दोनों जगहों की जो नौटंकी है मूल रूप से तो एक जैसी लगती है, लेकिन वहाँ का संगीत, वहाँ के डांस के फॉर्म, वो सब ऐड करके उसको बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर शैली और हाथरस शैली दो तरह की नौटंकी प्रसिद्ध है। लोग प्रचलित आख्यान चलते हैं, यानी कि जो समाज में लोगों को ऑलरेडी पता है उन सब पर नौटंकियां की जाती हैं। हाथरस शैली के प्रवर्तक नत्थाराम गौड़ कहे जाते हैं और कानपुर शैली के प्रवर्तक श्री कृष्ण पहलवान कहे जाते हैं। प्रवर्तक यानी कि हाथरस शैली की शुरुआत जो की थी वो नत्थाराम गौड़ ने की थी, और कानपुर शैली की शुरुआत की थी कृष्ण पहलवान ने। ये कुछ नाम आपको जरूर याद करने पड़ेंगे बेटा, रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रश्न आएगा तो आपको उसमें इन शब्दों से वजन पड़ जाता है, इन नामों से वजन पड़ जाता है। 13वीं 14वीं सदी के प्रचलित लोकाख्यान प्रेम और प्रेम का ही अतिरंजित चित्रण हुआ करता था। फारसी के कथानकों का प्रभाव इन पर मिलता है। ऐतिहासिक कथानक अमर सिंह राठौर, पन्ना धाय, पृथ्वीराज चौहान, रानी दुर्गावती को भी नौटंकी में इनकी कहानियां भी दिखाई जाती हैं।
लोक परक नाट्य रूप होते हैं, लेकिन धार्मिक और पौराणिक कथाओं का भी इनमें समावेश कर लिया जाता है। लेकिन धार्मिक कहानियां, पौराणिक कहानियां भी दिखा दी जाती हैं, जैसे कि सत्यवती हरिश्चंद्र एक अपने आप में पौराणिक कहानी है, राम वनवास, मोर ध्वज, नल दमयंती, श्रवण कुमारी, ये सभी की सभी पौराणिक कहानियां, इनकी भी नौटंकी दिखाई जाती है। शुरुआत इसकी भी मंगलाचरण से होती है, पूजा होती है, फिर गायक जाकर कथा के किसी नाटक के प्रसंग का गायन करता है, इसी बीच पात्र आकर अपने अपने संवादों का गायन करने लग जाते हैं। गायन शैली में ही होती है, पूरी की पूरी भाषा उर्दू होती है, कहीं उर्दू या हिंदी होती है और कहीं कहीं फारसी के शब्दों के भी इसमें समावेश मिल जाता है। थिएटर धुन में लिखे गए संवाद बहुत प्रभावशाली होते हैं इसमें, और इस तरह के संवाद रचना की प्रेरणा पारसी रंगमंच से ली गई है बेटे। पारसी रंगमंच में थिएटर संवाद चलते हैं उसी तरीके से यहाँ भी बोले जाते हैं, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। रंगमंच जिनका हमेशा खुला प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज या चबूतरा होता है जो चारों तरफ से खुला हुआ होता है, उसमें बीच में कभी कभी एक चंदोवा यानी कि ऊपर छत पर ऊपर जो है एक टेंट लगा दी जाती है, पर्दे वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तीन तरफ दर्शक बैठते हैं, शेष सारा का सारा मंच अभिनय क्षेत्र होता है। तीन तरफ दर्शक बैठ जाते हैं, एक तरफ सारा का सारा अभिनय चल रहा होता है। मंच के पीछे श्रृंगार कक्ष बनाया जाता है, मंच के पीछे जगह बनाई जाती है, वहीं से पात्र आते हैं, वापस चले जाते हैं, वहीं जाके अपना गेटअप चेंज करना करके दोबारा आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस तरीके से चलता है, और मंच पर ही पीछे की ओर समाजियों के साथ जब उनका रोल खत्म हो जाता है तो वो वापस पीछे नहीं जाते मंच पर, वो आकर ऑडियंस के साथ ही बैठ जाते हैं, तो उनको वहां पर ऑडियंस मान लिया जाता है। उसके बाद रंगमंच पर दृश्य सज्जा का कोई विधान नहीं होता, यानी कि दृश्य सजाने का कोई विधान नहीं होता है, केवल वही चीजें होती हैं वहां पर जो कि उनके जो पात्र हैं उनके काम आएंगे, उनके ढोलक मंजीरे उनके उपकरण जो होते हैं वही होते हैं, बाकी का मंच को सजाया नहीं जाता है। रंगा जो कुछ कह दे वो अपने साथ लेकर के आते हैं, लेकर चले जाते हैं साथ में अपने इस्तेमाल की चीजों को मंच पर, और जो कह देते हैं देखिए हम राजमहल में आ गए हैं या हम उपवन में आ गए हैं या ये नदी का किनारा है, उसे ही ऑडियंस मान लेती है कि हाँ हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं सब लोग, वो दिखाने की जरूरत इसमें नौटंकी में नहीं पड़ती है। वेशभूषा पात्र के चारित्रिक गुणों पर आधारित होती है, अधिकतर चमक दमक और तड़क भड़क वाले कपड़े पहनाए जाते हैं उनको, और वस्त्र विन्यास आकर्षक होता है, कपड़े उनके ऐसे होते हैं कि देख करके हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। नकली मोतियों और नकली गहनों से भर भर हार चूड़ियां श्रृंगार भी होता है, नकली गहने पहनाए जाते हैं, चूड़ियां खूब सारी पहनाई जाती हैं, चेहरे का मेकअप भी बहुत भड़कीला और अट्रैक्टिव होता है। नौटंकी की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, गूढ़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभिनेता सारे मंच पर घूम घूम करके अभिनय करते हैं, पूरे में घूम घूम के लोगों के पास जा जाके उनसे भी बात कर रहे होते हैं बीच में कई बार, और संवाद बोलते हुए तीन और दर्शकों की ओर भी अभिमुख होते हैं, यानी कि उनसे भी बात कर रहे होते हैं। वो अपने संवाद की एक एक पंक्ति को एक एक लाइन को दो दो तीन तीन बार रिपीट करते हैं ताकि जो दर्शक बैठे हैं सबको समझ में आ जाए और कोई भी प्रवाह में बाधा ना आए, सभी को कहानी पूरी समझ में आती रहे, इसके लिए वो लोग अपने डायलॉग्स को दो दो तीन तीन बार चार चार बार बोलते रहते हैं। स्त्रियों का अभिनय स्त्रियां करती हैं, पहले पुरुष किया करते थे लेकिन बाद में धीरे धीरे स्त्रीय पात्रों के जो अभिनय वो स्त्रियां ही करने लग गई हैं। कानपुर की गुलाबबाई और हाथरस की कृष्णा नौटंकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। गुलाबबाई को तो नौटंकी गायन के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुका है बेटे। मशालों और गैस की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है गाँव में, पंचलाइट जिसे बोलते हैं, और शहरों में अब बिजली का प्रयोग भी किया जाने लगा है जहाँ बिजली पहुंच गई है। विकास इसका 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, वहां तक जाकर के पूरी तरह से हुई। इसके नामकरण के तीन कारण बताए जाते हैं, एक तो वो नौटंकी जो हमने बताया आपको वही था मुल्तान की राजकुमारी नौटंकी, एक इसका टिकट 9 टके का हुआ करता था, नौटंकी का टिकट 9 टके का होता था इसलिए इसका नाम नौटंकी पड़ा, और इसमें 9 वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए इसको नौटंकी कहा जाता है। तो नामकरण के तीन कारण बताए जाते हैं, आप अगर नौटंकी का प्रश्न आता है इन तीनों कारणों का उल्लेख करेंगे। पहला तो कि मुल्तान की राजकुमारी नौटंकी के ऊपर एक प्ले हुआ था, उस प्ले के आधार पर ही संगीत का नाम नौटंकी पड़ गया। दूसरा इसका टिकट 9 टके का होता है इसलिए इसको नौटंकी कहते हैं, और तीसरा इसमें 9 वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए इसका नाम नौटंकी पड़ा। तो ये आपका पूरा का पूरा पाठ हो गया। इसमें प्रश्न आपके चारों में से एक एक प्रश्न बनता है, पहले रामलीला से कोई भी प्रश्न आ सकता है उसमें आपको पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपका रासलीला से प्रश्न बनता है, तीसरा आपका माच से प्रश्न बनता है, और चौथा नौटंकी से प्रश्न बनता है। 4 प्रश्न आपके बनते हैं, और पूरा का पूरा जितना कंटेंट मैंने लिया है ये सारा का सारा प्रश्न चाहे कैसे भी आए आपका उसमें आप ये सारा का सारा ही लिखेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। इस तरीके से आपका ये पाठ 2 जनपदीय साहित्य का कम्प्लीट हो जाता है बेटे। आगे के पाठ में आपके लिए जल्दी ही शेयर करूंगी क्योंकि PDF मेरी पूरी तैयार है, बस वीडियो बनाने का मेरा काम बाकी है।
थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो आप लोग इसको देखते रहिए, पहला पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, बाकी के तीन पार्ट में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स का पता चलता रहे। और हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। आपकी परी और बेटा एक चीज और, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए जिस सब्जेक्ट का आपको कोई परेशानी हो रही है, वो भी आप बता दीजिए, तो मैं आपके लिए उसे भी बना सकती हूँ। थैंक यू बेटा।